इसराइल और लेबनान के बीच जारी संघर्ष और भी तीव्र हो गया है। इसकी बानगी तब देखने को मिली जब लोग सोकर उठे ही थे कि उनके फोन पर मैसेज आने लगे। लिखा था, अगर आप किसी ऐसी इमारत में रहते हैं जहां हिजबुल्ला के हथियार रखे हैं, तो तुरंत गांव छोड़कर भाग जाएं। लेबनानी रेडियो पर भी इसी तरह के मैसेज अचानक गूंजने लगे। लोग कुछ प्लान कर पाते उससे पहले ही जोरदार धमाकों की आवाजें आने लगी, रॉकेट आकर गिरने लगे। पल भर में पूरा इलाका धुएं के गुबार में भर गया, अफरा तफरी मच गई, लोग इधर उधर भागते नजर आए। ये नजारा लेबनान का है। इसराइल की सेना ने सोमवार तड़के लेबनान पर सैकड़ों हवाई हमले किए। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हिजबुल्ला को पूरी तरह से खत्म करने का ऐलान किया है। इसके बाद से इजरायली आर्मी IDF रॉकेट की बारिश कर रही है। सुबह सुबह IDF के प्रवक्ता रियर एडमिरल डेनियल हगारी ने लेबनान के लोगों को मैसेज भेजा, चेतावनी दी, कहा हम हिजबुल्ला के ठिकानों को नेस्तनाबूद करने जा रहे हैं, रॉकेट और मिसाइलों से हमले किए जाएंगे। अगर आप किसी ऐसी जगह पर हैं जहां हिजबुल्ला के हथियार जमा हैं, उनके लड़ाके मौजूद हैं, तो प्लीज वो गांव या जगह खाली करके चले जाइए। लेबनानी रेडियो पर भी कुछ ही देर में ऐसे संदेश गूंजने लगे जिसके बाद अफरा तफरी मच गई। इसराइल के विदेश मंत्री कार्ड्स ने भी सोशल मीडिया पर लिखा कि हम साउथ लेबनान को आतंकियों का गढ़ नहीं बनने देंगे, उन्हें हटाने के लिए पूरी ताकत झोंक देंगे। हिजबुल्ला नेता हसन नसरल्लाह ने लेबनान के लोगों को बंधक बना रखा है। वह इजरायली लोगों को धमकाने के लिए उन्हें हथियार बांट रहा है, गांवों और उनके घरों में हथियार और मिसाइलें छिपा कर रखा है। हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम उस पूरे गाँव को तबाह कर देंगे। लोगों को अगर बचना है तो उन्हें तुरंत अपने घर और गाँव छोड़कर भाग जाना चाहिए। हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक हमें नहीं लग जाता कि अब इजरायल के लोगों को कोई खतरा नहीं है। इसके बाद IDF ने साउथ लेबनान में एक के बाद एक 300 से अधिक ठिकानों पर हमले किए। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय से मिली जानकारी के मुताबिक इन हमलों में 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है और 400 से ज्यादा लोग घायल हैं। 3 दिन पहले हिजबुल्ला ने इसराइल पर रॉकेट, मिसाइलें और ड्रोन दागे थे, जिसके जवाब में इसराइल ने अब ये कार्रवाई की है। इसराइली सेना के एक अधिकारी ने कहा कि इसराइल ने हवाई अभियानों पर ध्यान केंद्रित किया हुआ है और जमीनी हमले की उसकी कोई तत्काल योजना नहीं है। अधिकारी ने नाम न जाहिर करने की शर्त पर बताया कि हमलों का उद्देश्य हिजबुल्ला की इसराइल पर और अधिक हमले करने की क्षमता पर अंकुश लगाना है। लेबनान के मीडिया की खबर के अनुसार निवासियों को संदेश मिले हैं जिसमें उनसे अगली सूचना तक ऐसी किसी भी इमारत से चले जाने का अनुरोध किया गया है जहां हिजबुल्ला ने हथियार जमा कर रखे हैं। IDF और हिजबुल्ला के बीच लड़ाई 8 अक्टूबर से लगातार जारी है। ईरान समर्थित हिजबुल्ला ने तब पहली बार वार किया था। हिजबुल्ला ने इसराइल को चेतावनी दी है कि जब तक इजरायली सेना फिलिस्तीनी क्षेत्र से वापस नहीं चली जाती, तब तक वह अपने हमले जारी रखेगा। इसके बाद से दोनों के बीच जंग थमने का नाम नहीं ले रही है।